फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी थोड़ा थोड़ा सा ठीक हैं, क्योंकि सिर दर्द कर रहा था मेरा, और मेरी बेटी भी यहाँ पर सोई हुई है क्योंकि उसका भी सिर दर्द कर रहा है। आज है मंडे और अभी शाम का 4:30 बज चुका है, तो फिर मैं आ गई थोड़ा सा। ऐसे तो इस टाइम में कुछ खाती नहीं हूँ, बट पपीता को जो है मैंने काट लिया था, पर क्या करूँगी, उसको आगे देखती हूँ। अगर मीठा होगा तो फिर उसको खाऊंगी, वरना ये नहीं खाया जाएगा। मीठा होए बिना मैं नहीं खाती हूँ, तो फिर वो खाएगी या नहीं खाओगी? एक दो वो भी खाएगी बोली। अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं, एक दो पीस लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो फिर पूरा खा लूंगी, क्योंकि ये फिर शाम हो जाएगा, खाने नहीं सकते हैं। और ज्यादा दिन हो रहा था ना, तो फिर पकने के बदले सड़ने लगेगा, तो इसीलिए ले आई खाने के लिए। और खाने के बाद मुझे आज बहुत सारा एक्स्ट्रा काम है, जो कि आज मैं ऐसे दूसरा दिन में नहीं हो पाता है, तो लगा कि आज कर लूँगी। सुबह से ही सोच रही थी कर लूँ, पर नहीं हो पा रहा था इसी वजह से, क्योंकि बोली जैसे कि मेरा सिर में थोड़ा सा दर्द था। तो फिर आज दिन को मैं पूरा 1 घंटा सो गई हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद अभी थोड़ा सा फ्रेश लगा, तो फिर पूरा फ्रेश हो गई और ब्लॉग को भी शुरू कर दी। तो चलिए मैं यहाँ पर पपीता को खा लेती हूँ, फिर काम को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए लास्ट तक, और नए हैं चैनल में और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा मैं वीडियो को पोस्ट करते करते। तो और एक चीज़, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और कुछ पुराने वीडियोज़ का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अगर वो सब नहीं देखे हैं तो फिर उसका लिंक टच करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पपीता को नहीं खा पाए बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम भी मीठा नहीं है, एकदम एक पानी पानी टेस्ट होता है ना, वैसे ही है। तो फिर मन नहीं किया कि उसको खाएं, तो फेंक दे रही हूँ, कोई चारा नहीं इसके अलावा। मैं तो भले हल्का सा मीठा होने से खा लेती हूँ, बट मेरी बेटी जो है वो हल्का सा मीठा होने से नहीं खाएगी, उसको चाहिए पूरा पूरा मीठा पपीता। तो फिर चलो, आज मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, और दिन भर फास्टिंग में रहो और फिर ये सब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगने से अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए मैं फेंक दे रही हूँ इसको डस्टबिन में, इसका जगह हो गया, कोई चारा नहीं किसी को। अच्छा चीज़ जो हमने खुद नहीं खा पाती, मुझे किसी को देने का मन भी नहीं करता है। चलो जाओ, कंघी उंगी करो, साइकिलिंग करो, जाओ। फ्रेंड नहीं होने से क्या? मैं अभी बेडरूम में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या काम करना है ये देखिए। उस दिन से आप लोग नजर कर रहे होंगे कि कोना में रखा हुआ था, मुझे लग रहा था ना कि सब कुछ यूज होने वाला है, बट नहीं हुआ। मैं आपको एक दिन बताई थी ना, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो वो लोग का आने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, जिस वजह से मुझे ये सब को कर देना पड़ रहा है बॉक्स में फिर से वापस। बट ये सब नया है, वापस नहीं, इस बार नए, पहली बार ये लोग बॉक्स में जाएंगे। और बाहर ऑलरेडी 3 रखा हुआ है ब्लैंकेट, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि 3 रख तो छोड़ दो, बाकी ये सब जो है इसको रख देते हैं, वरना बाहर रखे रखे इसमें धूल मैल और बैठ जाएगी। तो चलिए मैं ये सब को रख लेती हूँ बॉक्स में, फिर बाकी और काम है वो सब करने जाएंगे। थी पर आधा में ही छोड़कर चली आई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोमवार है और फास्टिंग है, तो फिर ये भी आ चुके हैं, तो मुझे लगा चलो भाई इनके लिए थोड़ा सा चाहिए, इनके लिए नहीं, मैं भी पपीता खाने गई थी, खराब खराब सा निकला। तो फिर अभी चाय चढ़ाते हैं और चाय पियेंगे हम लोग, फिर बाकी ये काम रहेगा, तो इनके लिए पहले चाय बना लेती हूँ। चाय पीने के बाद फिर वो वापस उन पर चल गए काम पर, बोले कि थोड़ा सा और काम बचा था, तो फिर उसको खत्म करो ना करो ऐसा होते होते वो निकल गए, बोले नहीं चलो खत्म कर लेते हैं, फिर क्यों बढ़ावा। तो इसी वजह से मैं बोली चलो, तो फिर जब वो वहाँ पर गए मैं थोड़ा सा ये काम भी कर लेती हूँ, वरना यहाँ पर थोड़ा सा वो रेस्ट लेते हैं, बेटी यहाँ पर पढ़ाई करती है वो यहीं पर रेस्ट लेते हैं, पर मैं बोली नहीं चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ उस टाइम। और हम लोग के यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है, आप लोग को गाना सुनाई दे रहा होगा, 1 मिनट बंद कर देती हूँ। प्रेस हो गया, मैं बोली इतना तब वॉइस को कट करना पड़ा, क्योंकि हम लोग के यहाँ जैसे ही पिकनिक आजकल जा रहे हैं सबको, ये इतना ज़्यादा वो डीजे वगैरह लेकर बजा रहे हैं, मेरा तो पूरा सिर में दर्द आ जाता है और हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है, क्योंकि
यहाँ नज़दीक में वो लोग आधा घंटा पौने घंटा तक बजा कर रखते हैं गाना, तो फिर वो दम दम एक टाइप का आवाज़ होता है ना, तो फिर बहुत ही इरिटेटिंग होता है, तो फिर मेरा सिर दर्द करने लगता है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो भाई अब तो बात भी नहीं हो पाएगा, तो इसको पहले आप प्रेस कर लेते हैं, फिर दूसरा काम में जाऊंगी। तो प्रेस भी हो गया यहाँ पर और मैं अभी जा रही हूँ किचन में, बेटी थोड़ा सा गई है बाथरूम, तो वो आकर अपना पढ़ाई करेगी और मैं अभी जा रही हूँ किचन में, मटर छीलना है क्योंकि बनाना है आपका डिनर का तैयारी करना है आज, बहुत टेस्टी सा एक डिनर बनाऊंगी बिना प्याज लहसुन का, तो फिर आप लोग के साथ शेयर भी कर दूंगी। तो चलिए चलते हैं किचन और लेकर आते हैं मटर। बहुत सारा मटर और इसको बैठ बैठे अभी छिलना है मटर को, और फिर देखती हूँ बेटी को भी थोड़ा सा अभी पढ़ाना भी है क्योंकि वो काम मेरा पहला है, तो भी लगा कि दोनों हाथ एक साथ साथ होता रहेगा, प्रेस भी हो गया इधर मटर भी छिलना हो जाएगा, तो डिनर की तैयारी भी ऑलमोस्ट होता जाएगा क्योंकि आज, और मैं यहाँ पर लगाई हूँ आज मच्छरदानी, क्या कहते हैं उसको, वो जो हाई वोल्टेज जो कि मच्छर के लिए खास कर आता है, तो हम लोग के घर में आज 2-4 मच्छर लग गया हमको ये वाला रूम में, तो फिर मैंने यहाँ पर लगा लिया है साइड में, तो धुआं धुआं सा लग रहा है। चलो फिर मटर छीलते हैं, फिर बेटी को फिर पढ़ाते हैं। दूध भी आ गया, तो फिर इसको अभी गर्म करने के लिए रखूंगी, फिर रोटी सब्जी बनाऊंगी, तो पहले रख लेती हूँ दूध को गर्म करने के लिए। चलिए अचानक से आ गए, और क्या बोलते हैं मुझे कि था भूख लगी है अभी, एक्चुअली कभी ऐसे नहीं हुआ है, पहली बार ना हम लोग जैसे फास्टिंग किए हैं, ये पहली बार है आज हम लोग। एक्चुअली गर्मी ज्यादा था। हाँ, और मन किया कि इनको कि थोड़ा सा कुछ खाएंगे, अभी ऐसे भी 8 पार कर चुका ये दीजिए, थोड़ा है ना, सा ये दीजिए, क्या चाहिए, वो सफेद सफेद क्या था, क्या तो सफेद सफेद क्या बोलते हैं उसको जब तक नहीं बोलोगे नहीं दूंगी, नाम कुछ है उसका, नाम बोलो मम्मा, उतना आता होता तो हम ही खाना पका रहे होते, तुमको तो नहीं बोलते ना। कुछ नाम लीजिए तो फिर आपके ऊपर दया क्या करती, ये है चुटकी भर सोडा, अच्छा यही तो यही चाहिए था, सही है, मत मैं पानी पी लूं, ठीक है तुमको आता होता पीस हां, कप लेकर क्यों पानी पीते हो, ग्लास नहीं है, जाओ बैठ के पियो, चलो जाओ पानी दो, पानी दो। और क्या बना रहे हैं बस बस, अभी हम रेडीमेड पेट का तैयार, आई बेट और मत देना, और बेसन डाल दे, नहीं इतना ही काफी है, हम रेडीमेड पेट का तैयारी कर रहे हैं आज, पता नहीं क्यों भूख भूख नहीं, पानी नहीं हो जाएगा, और थोड़ा बेसन चाहिए होगा, बोलिए थोड़ा सा, 5-6 तो है, एक तो पतला सा बैंगन काटे हैं और फिर डिवाइड कर दिए, बेटी का तो एकदम नहीं, उससे क्या उसको नहीं मिलेगा, हम लोग को ही बस खाएंगे, वो 3 खाएंगे, मैं 2, और उसको वो जो ऊपर का छिलका होता है ना वो खाएगी, मुझे नहीं कर और ऐसे बैठ कर कोई अर्थ नहीं, कोई कर्ज कर्ज नहीं, कर्ज नहीं, अच्छा बोला जाता है उसी, जा 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 तुम अपना पढ़ाई करो, मेरा हो गया, मैं हो गया अभी, बोलना चाहिए कि मुझको नहीं देने से कोई फर्क नहीं, हाँ। लेकिन बोलना नहीं चाहिए कि कर्स नहीं अर्स नहीं फर्स नहीं, जब मेरा हो गया चारी को तो था उधर, चार नहीं फिर पेज पर पलटी करो ना, इधर भी चल चल चल, गरम करो गरम करो, हो गया गरम, मैं भी टीवी देख रही हूँ, बाय बाय, चली गई टीवी देखने, और हम लोग अभी बना रहे हैं बैंगनी, फिर मैं आप लोग को बताई, बैंगनी बना रहे हैं आप लोग, अब तो वो बता ही नहीं है, आप बता दोगे ना, सब चीज हम ही बता दें, ठीक है,
वो बना रहे हैं अभी बैंगनी, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, इंस्टेंट कुछ खाना, इंस्टेंट रेडी टू ईट, थोड़ा सा कुछ पकाई करना पड़ेगा। तो फिर वो बना रहे हैं, मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बोली थी ना जो वाला, वो तो मैं अपना करूंगी, बस ये बन जाए थोड़ा सा खा लें फिर, क्योंकि ये आए हैं इतना मेहनत करके दिन भर थके हुए हैं ना, तो मैं बोली थी मैं कर दूंगी, तो उनको मन था कि वो अपने ही करें। चलो भाई, मेरा वाला तो आजकल पसंद नहीं आता है ना, इसीलिए है ना, एक क्लेचर मुझे ला कर दे रही, और आप लोग देखिएगा मैं कितना क्लेचर लगाई हूँ, ये देखिए इधर है इधर है दो क्लेचर है, फिर ला के मेरी बेटी और एक दे रही है, यहाँ पर दो आ जाएगा, और मत दीजिए यहाँ आएगा, इसको तो फिर साइड करना पड़ेगा, पलटो उसको, इसको पलट दें, वो नहीं हुआ अभी, दिए ये वाला नहीं हुआ है, नहीं हुआ, छोड़ो छोड़ो, नहीं 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 साइड हो गया, और डाल दीजिए इसी में ही हम करेंगे, डाल दीजिए। तो मैं थोड़ा उसको देख कर आती हूँ, पता नहीं क्यों आ कर रही आप, हाँ, बनाते रहिए, हाँ कर रही है, मैं देख करती हूँ, आप लोग को भी लेकर चलूंगी, पूछते हैं उसको क्या हुआ, आ कर रही है क्यों की है, कौन सुन रहे हैं, क्या हुआ रे, क्या हुआ, क्या गिर गया, आयरन, 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 तो फिर आयरन को तुम क्यों छू रही थी, वो ठंडा हो गया है तो कैसे लगाओ, तो हल्का है बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रो नहीं है, ज्यादा लगा कहाँ, कुछ नहीं होगा, वो आयरन लग गिर गया उसका उंगली के ऊपर, आयरन आयरन, नहीं नहीं गरम नहीं, हम मैं तो शाम को की थी प्रेस, वो साइड में रख दी थी, वो शायद हटाने का कोशिश कर रही थी, मेरा ही गलती है, मेरी गलती की वजह से आज सजा तुमको मिल गया, चलो कुछ नहीं होगा, ये बहुत लाइट वेट है, हड्डी टूट गया, अच्छा कोई नहीं, चलो इसको मैं नीचे रख देती हूँ, अभी बाद में उसको रखूँगी, है ना, तुम चलो अपना जो कर रही हो करो, लाइट एक ही जलाई, नहीं 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 उसको लगा है बोलकर, क्या पाँव में चोट आ गया, पाँव में नहीं, उंगली में थोड़ा सा लग गया है, उसको थोड़ा सा तो अटेंशन चाहिए लगा है थोड़ा सा, अभी तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि पापा आ गए हैं ना, तो फिर उसको अटेंशन चाहिए, पापा यहाँ किचन में रह गए, नहीं चलेगा वैसे, चलिए ना हमें पलटी, पलटी है ना, पलट दे, पलटा हूँ प्यार से, प्यार से, क्यों हुआ, बस अभी तैयार हो जाएगा, मैं वो दो तीन जो चाहे मैं कर लेती हूँ, आप लेकर खाओ, ओनली दो आप पहले खाओ, तो उसको धो लीजिए, तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं, फिर मैं इनको खाने के लिए भेज देती हूँ, मैं एक नहीं 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 पहले आप खाओगे, मुझे अभी भूख नहीं है, नहीं नहीं वैसे नहीं होता, मैंने यहाँ पर आलू को फिर जो ऑयल बच गया ना उसी में चढ़ा दिया है कि वो फ्राई हो जाए तब तक, और मैं ले आई हूँ यहाँ पर मस्त इसको खाने के लिए, और यहाँ पर दोनों खा रहे हैं, तो चलिए मैं इसको खा लेती हूँ, फिर जाऊँगी जब सब्जी बनाने के लिए, तो आप लोग से मिलती हूँ। मैं आलू और मटर को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, ऐसा बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं कि मटर एकदम बहुत ज़्यादा फ्राई करने से जैसे टाइट हो जाएगा, वैसे नहीं, एकदम मटर का एक अच्छा खुशबू आता है ना, बस वो आ जाना चाहिए, और यहाँ पर मैंने फिर से कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, दो तीन चम्मच, दो चम्मच ही होगा ये, तीन चम्मच नहीं, क्योंकि मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया है, तो इसी वजह से, और अभी इसका बनाते हैं कैसे क्या करूँगी आप लोग को दिखा देती हूँ शॉर्टकट में। डाल देंगे हल्का सा साबुत जीरा, जैसे ही साबुत जीरा तड़क जाएगा हम उसमें डाल देंगे एक छोटा सा तेजपत्ता, तेजपत्ता आपको अगर पसंद हो ज़्यादा तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मेरी बेटी को पसंद नहीं है तेजपत्ता का फ्लेवर, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एकदम आधा टुकड़ा डाली हूँ, और उसके बाद अभी मैं इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ हरी मिर्च, और यहाँ पर जब तक हम लोग का मिर्च थोड़ा सा फ्राई होता है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिए मैं ले ली हूँ एक चम्मच ऐसे जीरा पाउडर, फिर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर,
इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी और फिर इसको अच्छे से मिला देती हूँ। और इसी में ही डालूंगी मैं ये जो अदरक को मैं रखी हूँ ना ग्रेट करके, उसको डाल देती हूँ। ये पूरा ग्रेट किया हुआ है, आप चाहे तो थोड़ा सा कूट कर भी डाल सकते हैं, बस इसको डाल लेना है। बन गया हम लोग का रेडीमेड मसाला। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऑयल में डाल देंगे। और यहाँ पर जैसे ही मसाला ने तेल छोड़ दिया तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। यहाँ पर मैं दो टमाटर का यूज करूँ। मैं अब मैं डाल देती हूँ नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, जितना हमें चाहिए होगा नमक, क्योंकि पहले भी हम लोग मटर में डाले थे तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं दे रही हूँ। बस इसको हल्का सा ढका कर पकाएंगे। टमाटर जो है अच्छे से गल चुका है, तो फिर अभी मैं इसमें डाल देती हूँ मटर और आलू को। दो तीन मिनट के लिए इस तरह से हम लोग भून लेंगे, फिर इसमें बाकी मसाला डालेंगे गरम मसाला वगैरह। रेडी हो जाएगा मेरा सब्जी, 5 मिनट बस ऐसे ही छोड़ देंगे इसको लीड लगा कर, तो फिर तैयार हो जाएगा और हम लोग खा लेंगे। और मैं आप लोग को बताना भूल गई ना कि हाफ वीडियो जो है विदाउट लिपस्टिक थी, फिर मैं कैसे लिपस्टिक लगा ली। मैं इस बीच जाकर और एक दूसरा वीडियो का थोड़ा सा शूट बाकी रह गया था, तो फिर मैं उसको कम्प्लीट की। और ये जो वीडियो जिसका बात कर रही हूँ ना, वो कुछ दिन में आप लोग के पास आ जाएगा, 1-2 दिन में। और बहुत ही डिफरेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगा और मुझे विश्वास भी है आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो देखिए सब्जी रेडी हो जाएगा और फिर हम लोग खा लेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।